जय दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू के 4P क्लासेस। जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं एज ए रेगुलर यानी फर्स्ट टाइम, या फिर एज ए प्राइवेट कंपार्टमेंट एसेंशियल रिपीट, या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, या फिर एडिशनल सब्जेक्ट देने जा रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि सीबीएसई ने आपका एग्जाम का डेट और प्रैक्टिकल का डेट डिक्लेयर कर दिया है कब से आपका होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सीबीएसई का अपडेट निकल के आया है, जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सर्कुलर निकल के आया है, सर्कुलर रिगार्डिंग सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बाइफरकेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10th एंड 12th। तो इसमें ही आपका डेट सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है। इसमें आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम कितने का होगा, थ्योरी एग्जाम कितने का होगा, इंटरनल असेसमेंट कितने का होगा, ये इन्होंने बाइफरकेट करके दे दिया है आप लोगों को। उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में नंबर आपको मिलेगा। तो चलते हैं, हमने क्लिक किया और ये अपडेट निकल के आ गया। तो ये अपडेट है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका अपडेट है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th एंड द बोर्ड एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड टू बी स्टार्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट 1/1/2025 से। यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 1 जनवरी 2025 से होने जा रहा है। तो जो बच्चे रेगुलर हैं उनका 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है, और थ्योरी एग्जामिनेशन बोर्ड एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है इस बार भी। तो आप लोगों को जो डाउट था कि सर हो सकता है डेट एक्सटेंड कर जाए, डेट बढ़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फरवरी 15 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको अपडेट करना है, स्कूल को अपडेट करना है, क्लास सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम थ्योरी कितने का है, प्रैक्टिकल कितने का है, असेसमेंट कितने का है, ये सीबीएसई ने अपने स्कूल वाले से मांगा है, उनको अपडेट करना है। ओके, तो इसमें जो बच्चे प्राइवेट हैं उनके लिए अपडेट ये निकल के आया कि उनका थ्योरी का एग्जामिनेशन 15 फरवरी से हो रहा है। ओके, और जो बच्चे रेगुलर हैं उनका भी 15 फरवरी से थ्योरी एग्जाम होगा। तो अब बात आती है, सर ये तो जो बच्चे रेगुलर हैं उनका प्रैक्टिकल का डेट आ चुका है, लेकिन जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनका कब से डेट होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, आपके मन में आया, वेरी गुड। तो उन सब बच्चों के लिए जो फेल्यू कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, जिन बच्चों का आरपी लगा हुआ रिपीट इन प्रैक्टिकल, या फिर रिपीट इन बोथ आरबी लगा हुआ, या फिर एबसेंट है, तो उन सब बच्चों का प्रैक्टिकल आपका कब से होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो नोटिस। तो उन सब बच्चों का प्रैक्टिकल आपको 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में होगा, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में। तो ये आपको 2024 का नोटिस है, पिछले साल से ही, मतलब लास्ट ईयर 2024 से ही आपका फरवरी से लेकर मार्च के बीच में प्रैक्टिकल हो रहा है। पहले क्या होता था, थ्योरी एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपका प्रैक्टिकल होता था, बट अब आपका प्रैक्टिकल 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च, यानी 15 फरवरी को थ्योरी एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग को जो प्रैक्टिकल है, उन सब बच्चों को प्रैक्टिकल, जो बच्चे प्राइवेट हैं उन सब बच्चों का प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम सेंटर पे ही आपको जाके देना पड़ेगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस समय थ्योरी एग्जामिनेशन का सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उसी सेंटर पे जाके आपको प्रैक्टिकल भी देना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपका अब डाउट क्लियर हो गया है। बट जो थ्योरी पेपर है, जो थ्योरी पेपर है क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों का, वो रेगुलर वाले बच्चे और जो बच्चे प्राइवेट हैं उन सब बच्चों का सेम रहेगा, यानी 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। ओके, डेट शीट आएगा तो मैं डेट शीट आपको अपडेट कर दूंगा, अभी आपका 15 फरवरी से डेट हो रहा है स्टार्ट। तो जो बच्चे क्लास 10th के हैं उन सब बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि अगर उनका प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर आ जाता है, यानी 20 में 18 19 आ जाता है, तो उनको थ्योरी में कम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उनका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपको 33% लेके आना, ये ध्यान में आपको होना चाहिए 10th वाले बच्चे। बट जो बच्चे क्लास 12th वाले बच्चे हैं उन सब बच्चों को थ्योरी में सेपरेट 33% लेके आना है, और प्रैक्टिकल में अलग से 33% लेके आना है। तो आप लोग ध्यान रखिए, 12th वाले का परसेंटेज इंप्रूव कराने के लिए प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर आना जरूरी है, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो 12th वाले का थ्योरी इंटरनल होगा और एक्सटर्नल भी आपका आके लेगा। जो बच्चे प्राइवेट हैं, जो 12th के हैं या फिर 10th के हैं, उनको थ्योरी पेपर का जो एग्जाम सेंटर होगा वहाँ पर जाके आपको एग्जाम देना है, सेम चीज़ प्रैक्टिकल फाइल, अगर प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना है। और जो बच्चे 2024 के हैं, जो बच्चे 2023 के हैं, उन सब बच्चों को प्रैक्टिकल में अगर पास हैं तो उनको प्रैक्टिकल देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्लियर। 2022 21 या उससे पहले वाले बच्चे को प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और उनका जो असाइनमेंट पेपर है, जो असाइनमेंट नंबर है, इंटरनल असेसमेंट नंबर है, वो आपको थ्योरी के बेसिस पे ही आपको मिल जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिकल आपको देना है और आपको असाइनमेंट नंबर थ्योरी के बेसिस पे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको अपडेट कर दिया
कि आपका डेट डिक्लेयर हो गया है प्रैक्टिकल का और थ्योरी का, क्लियर। प्राइवेट वाले बच्चों का 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच प्रैक्टिकल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था आपके लिए स्पेशल अपडेट कि आप लोग कन्फ्यूज मत हो कि सर रेगुलर वाले का आ गया मेरा नहीं आया है, तो आप लोग का भी 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है रेगुलर और प्राइवेट में, बी केयरफुल। ओके, अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, अब आप लोग आराम से तैयारी करना शुरू कर दो। जिन बच्चों को क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लास करनी है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्लास स्टार्ट होने जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, क्लियर। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन करो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूले।